जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और एपिसोड मेरे नाइट राइडर चैनल में। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ पुरी में रथ यात्रा, जो कि अभी उड़ीसा में चल रहा है बड़े धूमधाम से। उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको आज मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीय के तिथि में पड़ता है, जो कि इस साल 23 जून को था। और इसका ये एंड होता है आषाढ़ महीने के शुक्ल दशमी को, जो कि शायद 1 तारीख को है। और इसका पहला स्टेज जो है वो स्नान पूर्णिमा है, जहाँ स्नान पूर्णिमा में तीनों डिटीज़ को अपने जो गर्भगृह है मंदिर का, वहाँ से निकाल के स्नान वेदी, जो कि बैदिंग प्लेटफॉर्म है भगवान का, वहाँ लाया जाता है। और तीनों जो प्रतिमाएँ हैं उनको 108 कलश के पानी से नहाया जाता है। ये कलश के पानी जो है मंदिर के नॉर्दर्न कॉर्नर में एक बड़ा सा कुआं है, वहाँ से लाया जाता है। और इतने कलश के पानी से नहाने के बाद तीनों डेटिस को जो है बुखार हो जाता है। तो कम से कम 14 दिन के लिए जो है तीनों डेटिस अपना चिकित्सा करवाते हैं राजवैद्य से। और राजवैद्य इस दौरान उनको आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है उन्हें अप्लाई करके, उन्हें यूज़ करके तीनों डेटिस का सेवा करते हैं और उनको ठीक करते हैं। जो 14 दिन के बाद जब डेटिस बाहर आते हैं तो उसे बोलते हैं नवजौवन बेस, जो कि एक कई सारे बेसों में से एक है। और उसके बाद चालू होता है रथ यात्रा। नवजौवन बेस से पहले मैं एक चीज़ यहाँ बोलना भूल गया कि नहाने के बाद उनको हाथी का बेस किया जाता है, जो कि एलिफेंट अवतार बोला जाता है। और अभी आप देख सकते हैं ये जो है जगन्नाथ जी का पहंडी हो रहा है और ये अपने मंदिर से बस निकलने ही वाले हैं। इनके सिर पे बड़ा सा एक क्राउन टाइप का देख रहे हैं, फूलों से सुसज्जित, इसे उड़िया में टाहिया बोलते हैं। और ये तुलसी और कई सारे सुगंधित फूलों से सुसज्जित रहता है। इन्हें बनाने का काम एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सेवायत्स को दिया जाता है और ये इन्हें प्रिपेयर करके जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के लिए लाते हैं। और इन्हें पहनने के बाद तीनों भगवान जो है झूम झूम के पहंडी करते हुए जब आते हैं तो उसका वो दृश्य का कुछ अलग ही महत्व बन जाता है, बहुत ही मनोरम दृश्य बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हवा में लहराता है काफ़ी सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। और टाहिया का रथ यात्रा में एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी जगन्नाथ जी अपने मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ से बस निकल ही रहे हैं। यहाँ पे आप जनरली पतित पावन जो जगन्नाथ जी का डोर के पास जो मूर्ति है मेन गेट के पास, जिसे कोई भी धर्म का आदमी बाहर से ही दर्शन कर सकता है, उन्हें जगन्नाथ जी का एक जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे माना जाता है। उनके दर्शन कर लेने से ही माना जाता है कि आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिए। उसी जगह से जगन्नाथ जी अभी बाहर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है और आइया कितना खूबसूरत लग रहा है उनके सिर पर। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर बैन लगा दिया था कोरोना के चलते, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि मास्क वगैरह यूज़ किया जाएगा, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे, सबके टेस्ट होंगे। तो ऐसे सारे जो है प्रॉमिसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का फिर से रीथिंक किया और जस्ट रथ यात्रा के एक दिन पहले शाम को ही ये डिसीजन आया कि इस बार रथ यात्रा उड़ीसा में होगा और इसमें ओनली सेवायत और पुलिस वालों को ही अलाउड होगा कि वो लोग इसे संपन्न करेंगे। जनरल पब्लिक यहाँ अलाउड नहीं था इस बार। तो जिस रथ यात्रा में 12 लाख 10 लाख लोग तो मिनिमम होते ही हैं, इस बार काफ़ी कम लोग थे, सिर्फ सेवायत थे और पुलिस वाले थे और सब कोरोना टेस्ट के जो है प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही इसमें अलाउड हुए। ये तीनों रथ के सारथी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है तीनों के नाम के साथ। और अभी हम देखेंगे कि पुरी के जो राजा हैं दिव्य सिंहदेव, वो एक छेरा पहरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है रथ यात्रा का, उससे संपन्न करने आ रहे हैं। छेरा पहरा में राजा जो है भगवान की सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं तीनों रथों पर,
इसमें ये दर्शाया गया कि भगवान से बड़ा राजा कोई और नहीं, और जितने भी धरती के राजा हैं और जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं वो सब भगवान के सेवक हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये एक सेवा की मनोवृत्ति से किया गया प्रोसेस है और काफ़ी भक्ति भाव के साथ दिव्य सिंहदेव इसे हर साल संपन्न करने आते हैं। ये पुलिस वाले रथ को अपने प्लेस पर रखते हुए, ये जगन्नाथ जी के 4 घोड़े हैं, ये सफ़ेद कलर के रहते हैं, सुभद्रा जी के 4 घोड़े ब्राउन कलर के रहते हैं और बलभद्र जी के 4 घोड़े जो हैं काले कलर के रहते हैं। ये आप एक ड्रोन फुटेज देख सकते हो जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हुए लोग। ये नंदीघोष रथ जो कि जगन्नाथ जी का है, इसका हाइट है 45 फीट, 16 पहिए है, इसमें पहिए का डाया है 7 फीट, कलर इसका येलो एंड रेड है और 832 पीसेस ऑफ लकड़ी से इसे बनाया गया है। ये ताड़ध्वज रथ है बलभद्र जी का जो कि है 43 फीट हाइट का, 12 पहिए हैं, पहियों का डाया 7 फीट, कलर इसका रेड एंड ग्रीन और 763 पीसेस ऑफ लकड़ी से इसे बनाया गया है। और नेक्स्ट हमारा ये रथ है सुभद्रा जी का जो कि जिसका नाम है दर्पदलन रथ, जिसका हाइट है 43 फीट, 12 पहिए हैं इसमें, पहियों का डाया 7 फीट, कलर रेड एंड ब्लैक और 539 पीसेस लकड़ियों को संजो कर इन्हें बनाया गया है। सबसे बड़ा रथ जो है वो जगन्नाथ जी का। गुंडीचा मंदिर वो जगह है जहाँ तीनों प्रतिमाओं को बनाया गया था, उनका जन्मस्थली हम बोल सकते हैं गुंडीचा मंदिर को। ये मंदिर द गार्डन ऑफ जगन्नाथ के बीचों बीच बना हुआ है। ये रथ के रस्से हैं जो कि जूट फाइबर जिसे हम बोल सकते हैं। ये कुछ रथ यात्रा के मनोरम दृश्य। दोस्तों गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी का फिर से पहंडी होता है, रथ से उन्हें फिर उतार के मंदिर में ले जाया जाता है, उनका जो सिंहासन है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वहाँ विजिट करने आते हैं और बोला जाता है कि गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने से कुछ अलग ही पुण्य मिलता है। और ये इस साल यहाँ पे जनरल पब्लिक को बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया गया। ये सोना बेस आप देख सकते हैं जो कि स्वर्ण बेस है, जो कि रथ यात्रा जब जगन्नाथ अपने यहाँ लौट जाते हैं मंदिर में तब ये बेस किया जाता है। यहाँ कई सारे जो स्वर्ण आभूषण है वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि हस्त जो हाथ में पहना जाता है, पैर जो कि फीट में पहना जाता है, मुकुट जो कि क्राउन को बोला जाता है, मयूर चंद्रिका जिसे पिकॉक फीदर भी बोला जाता है, चूड़पति फोरहेड में पहना जाता है, कुंडल कान में, रहु रेखा श्री चिता चक्र गदा पद्म शंख, ये सब बहुत सारे स्वर्ण आभूषणों के नाम है। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा चैनल है, एक लाइक ज़रूर दे दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।